हाँ जी दोस्तों, स्वागत है कबड्डी 126.com चैनल से। अज आप गलबात करांगे टूरनामेंट आते एंट्रियां वाला हो रहा शरेआम धक्के बारे। इस टॉपिक से पहला भी आप एक वीडियो पाई सी, पर उस वीडियो नाल कोई बहुता फर्क नहीं नज़र आया, तो ना ही किसी ने एंट्री घट की है, तो लगातार एंट्री ज़्यादा हो रही है, तो उस तरह ही जारी चल रही है। हरेक टूरनामेंट से एंट्री वध तो वध रखी जा रही है। एंट्रियां रखने वाला भी एक कॉम्पीटिशन बन गया। जिस तरह पहला पुराने टूरनामेंटा लोग एक दूजे ना जैद जैद के वध इनाम रखते सन, तो अजकल एक दूजे ना जैद जैद के लोग वध एंट्री रखते हैं। कई टूरनामेंट कमेटियां ने टूरनामेंट करवाना अपना बिजनेस बना लिया है, जो कि अजकल टूरनामेंट से एंट्री बहुत ही ज़्यादा रखी जा रही है और इनाम घट होता है। दिनों दिन बढ़ रही एंट्रियां कौन रोक सकता है? इस मसले को सिर्फ खिलाड़ी ही रोक सकते हैं। जिस टूरनामेंट से एंट्री ज़्यादा रखी जाती है, खिलाड़ी भी उस टूरनामेंट से ना एंटर होन, कुछ ही समय में इस विच बदलाव जरूर आएगा और एंट्रियां घट होनगियां। एंट्री बदन का की कारण है? एंट्री बदन का एक ही कारण है, जिस टूरनामेंट से एंट्री ज़्यादा रखी जाती है उस टूरनामेंट से टीम तो वध एंटर होंदिया हैं, जिस करके वो ज़्यादा तो ज़्यादा एंट्री रखते हैं। अपने हिसाब न घाट टूरनामेंट कमेटियां वाले च नहीं, घाट खिडारियों में आ ज़्यादा एंट्री तो क्यों खेडते हैं? जेकर वो एक दो टूरनामेंटा ना खेडन तो एंट्रियां वाला मसला आपे ही हल हो जाएगा, तो कमेटियां वाले ज़्यादा एंट्री नहीं रखेंगे, जिस नाल हरेक गरीब तो गरीब प्लेयर हरेक टूरनामेंट से खेड सकता है, कबड्डी अगे वाल बदन लगेगी। कमेटियां वाले भी यही बेनती है कि वह घट तो घट एंट्री रखन, खिडारी वीर यह बेनती है कि जिथे ज़्यादा एंट्री होंगी उस टूरनामेंट से ना खेडन। जेकर वीडियो वधिया लगी वीडियो कर दो लाइक, तो चैनल में कर दो सबसक्राइब, तो कमेंट करके जरूर दस्यो वीडियो किदा की लगी, बननी चाहिए सी या नहीं बननी चाहिए सी।